नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। जैविक प्रशिक्षण कार्यशाला में किसानों ने उन्नत खेती का सीखा गुर, रासायनिक उर्वरक के बजाय जैविक उर्वरक का उपयोग करने पर दी गई सलाह। सफल किसानों को डीओ ने किया सम्मानित। बिहार में किसानों के लिए यह केवल साथी कंपनी है जो किसानों को आधुनिक तरीके से खेती सिखा रही है। इस संस्था से लगभग 300 किसान जुड़कर हो रहे हैं लाभान्वित। खजौली में प्रखंड क्षेत्र कनहोली बैरवाना गांव स्थित शनिवार को क्रिक प्रोड्यूसर कंपनी के दूसरे वार्ड महोत्सव जैविक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएओ सुधीर कुमार, जिला उद्यान पदाधिकारी राकेश कुमार, प्रमुख कुमारी उषा, बीडीओ मनीष कुमार, सीओ मनीष कुमार, बीएओ विश्वनाथ प्रसाद, पटना उद्योग भवन के प्रिंस कुमार, कृषि वैज्ञानिक के सिंह, कृषि वैज्ञानिक यूडीसी चंदन कुमार मिश्र, भाजपा के नेता शंभुनाथ ठाकुर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। उक्त कार्यक्रम संस्था के अध्यक्ष आत्माध्यक्ष बिलट प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उपस्थित सभी अतिथि को मिथिलांचल रीति रिवाज के अनुसार पाग दुपट्टा और माला से सम्मानित किया गया। डीएओ श्री कुमार ने कहा कि यह क्रिक कंपनी समस्त बिहार की सातवीं कंपनी है। किसानों को जैविक विधि से खेती करने का प्रशिक्षण देकर आय दुगना करने का हुनर सिखाती है। इस समूह के किसान कालाधन, काले गेहूं, मशरूम की खेती सहित ऑर्गेनिक विधि से लाल गोभी, पीली गोभी, हरी गोभी, बैंगन, टमाटर, धनिया पत्ती सहित अन्य सब्जियां उगाने का प्रशिक्षण प्राप्त करके खेती करते हैं, जिससे किसानों को अधिक आमदनी होती है। वहीं उद्यान पदाधिकारी राकेश कुमार ने किसानों को रासायनिक खाद का उपयोग खेत में नहीं करने और जैविक उर्वरक का उपयोग करने की सलाह दी। प्रखंड कुमारी उषा ने कहा कि आज के समय किसान की उपज फसल को सही दाम नहीं मिलने से किसान खेती से दूर भागने लगा है। यदि किसान को उन्नत किस्म की खेती करने के लिए समय समय पर वैज्ञानिकों द्वारा किसान को प्रशिक्षण देकर खेती करवाने से ज्यादा फसल की उपज होगी तो किसान की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 300 से अधिक किसान सम्मिलित होकर अपनी खेती को दोगुना उत्पाद बढ़ाकर ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा बीज के निदेशक के सिंह, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर यूडीसी चंदन मिश्रा ने किसान को ऑर्गेनिक एवं जैविक विधि से खेती करने की सलाह दी। इसके अलावा वहीं बीडीओ मनीष कुमार, सीओ मनीष कुमार ने भी अपने विचार रखे। उपस्थित सफल किसान हरीशचंद्र कुमार, राम सेवक सिंह, लक्ष्मी कुमारी, करुणा कुमारी, प्रमोद कुमार सिंह सहित अन्य किसान जो कि जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा उन्हें कप मेडल देकर सम्मानित किया गया। मौके पर पैक्स अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह, कृषि समन्वयक राहुल कुमार, अविनाश कुमार, विजय कुमार, कैलाश कुमार, सुधीर कुमार, कृषि सलाहकार केडीसी संपत्ति पासवान, राम सौदागर सिंह, केदारनाथ मिश्र, याम कुमार सिंह, शुभेंद्र चंद्रशेखर सिंह, किसान सुरेश प्रसाद सिंह, मनीष कुमार सिंह सहित दर्जनों किसान मौजूद थे। कैसे हो? पाग और दुपट्टा से सम्मानित कर रहे हैं कि ये ठंड का समय है, अरे ताली बजा। कुमार जी तो हमारा सवाल मान लिया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी महोदय जो उपस्थित है, जो हमारे वर्तमान में अभी जिला पार्षद हैं, भोला प्रसाद सिंह जी से आयल थे, उनका पाग और दुपट्टा से सम्मानित हुआ भी उपस्थित। छप्पन भोज 2600 व्यंजन आन खुअबी तो कतक मदित मन। एवं तमाम अन्य अतिथिगण सामने बैठे इस प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसान बंधुओं, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधु, सबसे पहले
इस प्रोड्यूसर कंपनी हजारी कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एक अपने आप में एक कंपनी है और ये अपने ऊंचाइयों की ओर अग्रसर प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। उनको कृषि विभाग की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से कोटि कोटि बधाई। आप सभी अध्यक्ष और जो भी सदस्यगण, आपके मेहनत के बदौलत ही ये अपनी ऊंचाइयों को छू रहा। और जैसा कि यहाँ पे एक किसान बंधु ने भी बताया, ये आंकड़ा मेरे पास भी नहीं था, बिहार का इन्होंने आंकड़ा दिया कि ये बिहार में हमारा सातवां है ना एफपीओ जो, और कार क्षेत्र में प्रथम स्थान। तो आप अपने लिए जोरदार ताली बजाएं, आपने आपने मेहनत किया है और अपने इसको अंजाम तक पहुंचाया है। बिलट जी इसके मुखिया जरूर हैं, लेकिन मैं ये देखता हूं कि ये काफी चिंतित रहते हैं कहां से कैसे इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कौन से लाभ कृषि विभाग से, उद्यान से या जो भी है उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये कंपनी एक अपना स्थान बना सके। भाई हम क्षमा प्रार्थी हैं, पूरे पूरे लोग यहाँ आप जमे हुए हैं और ये प्रोग्राम शाम तक चलता है और मैं भी शिरकत किया हूँ पहले, और लेकिन आज हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम खुद ही। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।